नमस्कार, मैं हूं निवेदिता शुक्ला। पिछले 4.5 सालों में भारतीय अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए मोदी सरकार ने जो काम किए, अब उनका असर दिखने लगा है। चुनाव से पहले इकोनॉमी के क्षेत्र में मोदी सरकार के लिए दो बड़ी खबरें आई हैं। एक तरफ तो वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत ने बाजी मारी है। साल 2014 में जहां भारत की भागीदारी 2.6% थी, वो अब 2017 में बढ़कर 3.2% हो गई है। वहीं दूसरी खबर ये है कि भारत अब ब्रिटेन को पीछे छोड़ने के लिए तैयार है। जी हां, अभी हाल ही में भारतीय अर्थव्यवस्था ने फ्रांस को पछाड़कर 6ठे स्थान पर जगह बनाई थी और अब भारत एक और पायदान ऊपर जाकर दुनिया की 5 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनने जा रहा है। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड यानी IMF के एक अनुमान के मुताबिक वैश्विक अर्थव्यवस्था रैंकिंग में ब्रिटेन 7वें नंबर पर खिसक सकता है। वित्त मंत्रालय के राज्य मंत्री पोन राधाकृष्णन ने ये जानकारी लिखित में राज्यसभा को दी है। IMF ने कहा है कि साल 2018-19 और 2019-20 में ये बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था होगी। 2014-15 और 2017-18 के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था की औसत विकास दर 7.3% रही है। विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के बीच भारत के विकास की रफ्तार सबसे तेज रही है। एक समय था जब आर्थिक क्षेत्र में ब्रिटेन ने दुनिया में अपना डंका बजाया हुआ था, लेकिन अब भारत की तरह तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाएं ब्रिटेन के लिए चुनौती बन गई हैं। माना जा रहा है कि ब्रेग्जिट से अलग होकर ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ सकता है, जिसकी वजह से उसकी अर्थव्यवस्था 5वें पायदान से खिसक कर 7वें स्थान पर पहुंच सकती है।